Ah oui. बेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा था। मैथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि में जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो मैथेन प्राप्त होते थे, मैथेन प्राप्त होती यानी कि सी और सी एच थ्री था तो एक एच और जुड़ जाता था, ऐसा होता था सी एच फोर। अब क्या है कि अब सोडियम एसीटेट नहीं है, सी सिक्स एच फाइव है, अब ये सोडियम बेंजोएट है, बेंजोएट को एन ए ओ एच के साथ, ये बोलो एन ए ओ एच नहीं, सोडा लाइम के साथ जब इसे गर्म करते हैं तो इसमें जो सी सिक्स एच फाइव एक एच कम था वो एक एच पूरा हो जाता है, सी सिक्स एच सिक्स हो जाता है और साथ में एन ए टू सी ओ थ्री निकल जाता है। जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, देखो हिंदी जरा, जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं सोडियम बेंजोएट प्राप्त होता है, सॉरी जब सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन प्राप्त होता है, हो गया। चलो जी, जब सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, जब सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन प्राप्त होता है, बाद लिखेंगे इसमें नीचे हेड जो ना विधि, देखो सर हेड डाल देंगे विधि, और इसकी विधि ना सेम मैथिन के समान है, जहां जहां मैथिन नाम आ रहा था उसकी बोल, जहां जहां सोडियम एसीटेट आ रहा था उसकी जगह सोडियम बेंजोएट कर देना, बस चित्र भी वही है, सब कुछ वही है, लिख दो उसमें क्या दिक्कत है, तो चित्र तो बनाना पड़ेगा फिर दोबारा से, टाइम में जो एक दिन फालतू से मतलब नहीं लिख लो, विधि बना रहे तुम, यार एक सीधी सीधी प्रखनली बनानी थी, उसमें सीधे गर्म करना था, एक मिनट किसी के बाद चित्र हो तो दिखा दो, मैं एक बार दिखा देता हूँ, इन्हें है किसी पे, हाँ इतना बड़ा भारी चित्र नहीं है, एक परख नली की सीधी नलकी उसमें को ले जाओ, लेकिन अरे ये नहीं है शुरू में सबसे पहला चित्र होगा चैप्टर का, मैथेन मैथेन ये है, तो बना हुआ था, इसी चित्र को दोबारा बनाना है, एक परख नली और एक उसमें सीधा सीधा विभाजित कर दूँ, बनाऊँ यार, चलो फिलहाल समस्या उससे मतलब नहीं है, समस्या ये है कि यहाँ
छोड़ने से मतलब नहीं है, पढ़ाने से मतलब, अगर जो सब लोग राजी हैं छोड़ने के लिए तो छोड़ देते हैं, अब सब नहीं है तो फिर पढ़ाएंगे। कोई एक भी पूछता है तो उसे बताना पड़ता है ना, सारे होशियार होते तो हम छोड़ देते, अब लोग नहीं कर रहे क्या करें। हाँ दोबारा ये, मैं तो छोड़ा था अब क्या करें। फालतू में झगड़े वगड़े मत करो, चित्र सेम मैथिन वाले हैं। हाँ जी बिल्कुल सेम ऐसे ही था। बना लो भाई इतनी है बस। हाँ जी हाँ व्यंजन जल में अविलय होता है, इसलिए इसे बाद में अलग कर लेते हैं जब बन जाता है तो। बहुत ही गुड,
देखो ये व्यंजन के भौतिक गुण, नहीं तो इसकी सीधी सीधी जब इसे गर्म करते हैं तो वो एक प्रकनली में इसमें एकत्रित हो जाता है। अपना आप बना के लिख देना, ध्यान रखो ना, एक प्रकनली में सोडियम बेंजोएट तथा सोडा लाइम को गर्म करते हैं जिससे बेंजीन वाष्प रूप में एक ग्राही में एकत्रित हो जाता है। जब ये द्रव अवस्था में आ जाता है तो इसे अलग कर लेते हैं, तो वो तीन लाइनों की हो जाए। भौतिक गुण लिख लो, भौतिक गुण सुनेंगे। यह एक बाष्पशील द्रव है, नंबर 1 में लिख रहे हैं। यह एक बाष्पशील द्रव है, नंबर नेक्स्ट। यह जल में अविलय, यह एक नंबर 1 है, यह एक बाष्पशील द्रव है। नंबर नेक्स्ट, यह जल में अविलय तथा जल में अविलय तथा कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। विलय होता है नेक्स्ट। इसका क्वथनांक 80 डिग्री सेल्सियस होता है। होता है हेड डालेंगे रासायनिक गुण। देखो भाई इधर, नंबर 1 है हाइड्रोजन से क्रिया। जब बेंजीन को निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिकृत करते हैं,
हाइड्रोजन के साथ अभिक्रियत करते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है, तो साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है। अभी क्या डालें? शरीर सारे डी ब्लॉक के तहत उत्प्रेरक होते हैं। बहुत अभिक्रियाओं में जिंक बहुत सब धातु उत्प्रेरक का काम करते हैं। रेडियम रेडियो एक्टिव तत्व होता है, रेडियो एक्टिव तत्व होता है, वो मार देगा आदमी के पास खड़ा हो गया तो। वो बैरियम का होता है, रेडियम का 88 होता है। बहुत सारे तरीके हैं देखने के, क्यों देखना पड़ेगा? जब तुम पहली बार अभिक्रिया देख रहे हो तो देख रहे हो। अब तुम मुझसे पूछ रहे हो, तो मुझे कोई अभिक्रिया, वो मैं 18 थोड़ा जोड़ रहा हूँ, मुझे तो दिमाग में वो आवर्त सारणी पूरी पता है ना, तो इसलिए तो मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूँ। अब मैं कौन सा 2 2 18 18, लेकिन ऐसा ये तो ना मैं कर रहा हूँ, जब तुम आवर्त सारणी 2 3 बार देख लोगे तो मैं समझ में आ जाएगी, तुम भी कर लोगे। कोई सा भी तत्व बता दोगे आगे पीछे कौन सा है। उत्प्रेरक की क्रिया का मतलब कैसे करवा दिया? बंद ये अभिक्रिया अभी थोड़ा करवाइए, ये कल भी करवाई थी हमने। ये बंद टूटते रहेंगे और हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ते रहेंगे, जहां से बंद टूटेगा वहां से हाइड्रोजन जुड़ता रहेगा। 3 से गुणा कर देंगे इसमें हाइड्रोजन। दो हो गए, अब तो 12 हो गए। बारह हो गए। अब ये अगर जो तुम फॉर्मूला देखोगे ना, तो ये C6 ये H12 है, 6 H और जुड़ गए इसमें। ऐसे बनाना है ना, ये तो ना ये बता रहा हूँ कि ये संरचना जो बनी है ये है। ये हाइड्रोजन खोल के दिखा दिए जुड़ने की वजह से, वरना मत दिखाओ, खाली चक्कर से तुम इसे ऐसा करके भी दिखा सकते थे, सिर्फ ऐसा करके दिखा दो तो भी यही है। इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, हिंदी तो लिखवाएंगे। ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, और अभी तो देखना ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का मतलब भी यही होता है या। अभी और देखोगे किस किस नाम से आ जाती है एग्जाम में।
जब बेंजीन को क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो देखो इधर बंद टूटेगा ये वाला, तो यहाँ सीएल जुड़ जाएगा और यहाँ सीएल जुड़ जाएगा, ऐसे ये वाला बंद टूटेगा यहाँ सीएल जुड़ जाएगा, ऐसे ये वाला बंद टूटेगा तो यहाँ सीएल जुड़ जाएगा, ऐसे ऐसे हमें 6 सीएल की जरूरत पड़ेगी। तो ये बेंजीन था, लेकिन क्लोरीन कितनी बार आए हैं? 6 बार आए हैं, 6 को कहते हैं हम हेक्सा क्लोराइड, तो इसे ही कहते हैं हम BHC। इसका IUPAC नाम भी होता है, देखो इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 IUPAC नाम लिखो, हेक्सा क्लोरो साइक्लो साइक्लोहेक्सेन नाम होता है, जैसे ही हेक्सेन होता है तो साइक्लोहेक्सेन नाम होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन ये भी नाम होते हैं, ये भी यामी नाम चल रहे थे, या इसे गैमेक्सीन भी कहते हैं, या इसे लिंडेन कहते हैं, या इसे 666 भी कहते हैं। 666 कहने का कारण इसमें यह होता है कि इसमें 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ही क्लोरीन आ जाते हैं, तो इसलिए इसे 666 भी कह देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नाम होते हैं, 6 ही सब कुछ हैं, 6 ही कार्बन है और 6 ही प्रकार के इसके नाम होते हैं। तो इसमें लिखेंगे 666 के नाम से भी आता है, किसे कहते हैं लिखेंगे, जब बेंजीन को क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं, तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड प्राप्त होता है।
हाइड्रोजन नहीं है, हर कोने पर हाइड्रोजन है। लिखेंगे नंबर नेक्स्ट लिखेंगे रासायनिक गुण चल रहे हैं इसके। देखो इधर हो इधर हाँ जी, जब बेंजीन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इसमें से ना यहाँ क्योंकि हमें हमेशा CH हर जगह है तो यहाँ से H निकल जाता है और इसमें से HO निकल जाता है, ये वाला H और इसमें से एक O, तो यहाँ NO2 बचता है। ये माइनस वाला होता है, ये प्लस वाला, ऐसे ही प्लस वाला होता है, कार्बन माइनस वाला होता है, तो माइनस से तो प्लस वाला जुड़ जाता है और OH से ये H जुड़ जाता है, तो ये हो जाता है NO2 और जल इसमें से निकल जाता है, इसे कहते हैं हम नाइट्रो बेंजीन प्राप्त होता है। जब बेंजीन को तो प्लस माइनस NO2 जो इससे आगे जुड़े जाते हैं। जब बेंजीन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है, दिखा सकते हो ये कैच निकाल के ऊपर को, वरना तो पहले समझ में आ रहा तो डायरेक्ट दिखा दूँ।
हैंड डालेंगे, इसके बाद सल्फोनीकरण, रासायनिक गुण, जब सल्फ्यूरिक अम्ल ये बेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो इसमें से फिर वही एच निकलेगा और यहाँ से एच ओ और एच एस ओ थ्री अलग निकलेगा, ऐसा टूटता है ये एच ओ इसमें से अलग निकल जाता है, एच एस ओ थ्री अलग निकल जाता है और एच अलग निकलता है। तो जी एच एस ओ थ्री तो ऐसा जुड़ जाते हैं और ये जल निकल जाता है, इसे कहते हैं बेंजीन। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, लेकिन जब बेंजीन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। नाइट्रो वाला ज्यादा खतरनाक होता है, उस पर विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं। ज्यादा तीव्र होगा, पब्लिक राजा उसे मानती है जो उस पब्लिक पर राज कर सके। डेंजरस नहीं है, उसके अंदर कुछ ऐसे हुनर होते हैं जो औरों के पास नहीं होते। अस्त्र शस्त्र, दिमाग, कूटनीति, राजनीति, अर्थशास्त्र, वो इन सब में परिपूर्ण होता है तब जाकर वो राजा कहलाने लायक होता है। एक दिन में कोई राजा नहीं बनता है, तुम्हें क्या लग रहा है? ऐसे होता है तो ऐसा, तो जैसे जैसे ये ईंट होती है तो इसका स्त्रीलिंग भी होता होगा, क्या होगा है? ये टेबल है तो टेबल नहीं भी होगी, कुर्सी है तो कुर्सा होगा है? मनोज है तो मनोजी होगी, मुझे बताओ। नाम के स्त्रीलिंग नहीं होते हैं, किसी नाउन के होते हैं। विल्बर नाउन है, किसी जीव के होते हैं, ऐसा करके नाम नहीं, कोई सजीव चीज के होते हैं जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं। अरे अम्लराज थोड़ा है, अम्लराज ही हो जाएगी, क्या पूछ रहे थे क्वेश्चन बता तुम्हें? क्वेश्चन तो सुनो क्या था उसका।
घटमान कोच अभिक्रिया, कौन सा रासायनिक गुण है ये? गैटर भी कह देते हैं, गाटर भी कह देते हैं, घटमान कोच अभिक्रिया। यही क्या इसके कोचिंग के पीछे ही बनाई थी हमने, पांचवी हो सकती है। गटर मान कोच अभिक्रिया गटर के नाम से भी आ सकती है, गटर मान, गाटर मान, गैटर मैन। गाटर मैन भी हो सकती है, एम ए डबल एन होता है, अब वो कैसे भी बोल देते हैं। भी अभी अभी देखो बेटा, सर ये एस ओ पी है। हाँ जी, हाँ जी बोलो। फॉर्मल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब इसे कराते हैं देखो इधर ये है रे, जब बेंजीन को CO और HCl में घुले, इन दोनों में घुल के ना फॉर्मल क्लोराइड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl से निर्मित फॉर्मल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रित करते हैं तो बेंजाल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया गटरमान कोच अभिक्रिया कहलाती है, ये नेमिंग अभिक्रिया है वैज्ञानिक के नाम से। जब बेंजीन को जब बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl से निर्मित फॉर्मल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बेंजाल्डिहाइड प्राप्त होता है, यह अभिक्रिया गटरमान कोच अभिक्रिया कहलाती है।